हाय फ्रेंड्स, आजकल लगता है बॉलीवुड में तो पैरोडी सा चलन बन गया है। पुराने गाने को रिमिक्स करके, आजकल बीट्स डाल के रिमिक्स करके नए गाने बना देते हैं। आजकल लगता है सॉन्ग राइटर्स को कुछ नए गाने तो मिल ही नहीं रहे हैं। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, गोरी नाल इश्क मीठा को देख लीजिए, महबूबा देख लीजिए, ये सारे गाने पुराने गानों के रिमिक्स ही तो हैं। अब देखिए सलाम है इश्क मेरी जान, ये भी गाना पैरोडी बन के आ गया है। दिल क्या करे गाना पैरोडी बन के आया है। गोरे नाल इश्क मीठा, दिल चोरी साडा हो गया हनी सिंह का, मेरा नाम चिन चिन चू, और अब यमला पगला दीवाना का भी गाना पैरोडी बन के आ रहा है। क्या हो गया हमारे बॉलीवुड सॉन्ग राइटर्स को जो हमको नए गाने नहीं दे रहे हैं। पंजाबी गानों का तड़का लगा के पंजाबी सिंगर्स की रिमिक्स करके हमें गाने परोसे जा रहे हैं। हम्मा हम्मा को देख लीजिए, वो भी पुराने हम्मा का सॉन्ग्स था, और अब सारा जमाना हसीनों का दीवाना, ये भी सॉन्ग आपने सुना होगा, सब पैरोडी हैं। क्या अब हमको नए गाने सुनने को ना मिलेंगे? हम चाहते हैं कुछ नए सॉन्ग्स, जैसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स होते हैं प्योरली ओरिजिनल, हमको वैसे ही सॉन्ग्स चाहिए। अब बॉलीवुड को क्या नए सॉन्ग्स लाने में प्रॉब्लम हो रही है? सॉन्ग राइटर्स क्यों नहीं नए सॉन्ग्स दे रहे हैं? लोगों को तड़का चाहिए मगर बीट्स के माध्यम से। हम नए सॉन्ग्स बना के भी तो अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग्स ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप भी चाहिए ताकि जब भी बॉलीवुड फिल्मों का रिव्यू हो तो आप बोलें कि हमें कुछ नए सॉन्ग्स चाहिए जिससे हमको कुछ नया सुनने को मिले। मेरा नाम चिन चिन चू भी पैरोडी था। अब मैं चाहता हूँ कि हम बॉलीवुड को बोलें कि हम, अरे जो भी नए सिंगर्स हैं चाहे वो पंजाबी ही क्यों ना हो, कुछ अच्छे हिंदी बेस्ट सॉन्ग्स हमारे लिए लाएं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर करें और पहला